उस्ताद अमजद अली खान को कौन नहीं जानता। अपनी संगीत साधना के दम पर आज वो पूरी दुनिया में इज्जत और शोहरत हासिल कर चुके हैं। नमस्कार, मैं शिवेंद्र कुमार सिंह आज आपको सुनाऊंगा सरोद सम्राट उस्ताद अमजद अली खान की अनसुनी कहानियाँ। उस्ताद अमजद अली खान का बचपन का नाम था मासूम अली खान, लेकिन एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि उनका नाम बदल गया। एक साधु थे जो बहुत ही नूरानी वेरी बहुत ही एक तेज था उनकी शक्ल के ऊपर, एक बहुत ही रेडिएंट फेस और दाढ़ी थी काली और सैफरन कपड़े पहन के वो आए और वो पिताजी का सरोद सुनते थे। उस ज़माने में हम बहुत छोटे थे और जो भी सीख रहे थे तो वो खुद भी हारमोनियम बजा के गाते थे, मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा, वो इमोशनल हो जाते थे। क्योंकि जो सूफी लोग होते हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता, वो जिधर हर जगह मत्था टेकते हैं। तो वो साधु जिस साहब जो घर आए थे, दरवेश बेटा बजाओ कुछ, जो भी हम बजाते थे उन्होंने वो हमने सुनाया, नाम पूछा, ये नाम है मासूम अली खान रखा था बचपन से, कहते नहीं आज से तुम अमजद हो। तो ये हमें इसका मतलब पता भी नहीं था कि अमजद का मतलब क्या होता है। तो बाद में बहुत जाके इसका अरेबिक लैंग्वेज में इसका मतलब बहुत अच्छा मतलब है, यानी भगवान का ही नाम है। ये बात यही है। उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में हुआ था। पिता उस्ताद हाफिज अली खान सरोद के जाने माने कलाकार थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उस्ताद जी उन दिनों को खुद ही याद करके क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। इसी दिल्ली शहर में हमारे पिताजी 1957 में आए और यहाँ एक संस्था में म्यूजिक सिखाते थे, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली। फिर ऐसा वक्त आया कि पिताजी के बाद कहा था कि हमें भी वो नौकरी देंगे, तो वो नौकरी देने में उन्होंने 6 महीने लगा दिए। कहा था 500 रुपये की नौकरी देंगे, लेकिन जब वक्त देने का आया तो कहते भाई हम सिर्फ 300 रुपया दे सकते हैं आपको, करना है तो करो नहीं तो जाओ। तो वक्त वो ऐसा समय था कि हमने वो 300 रुपये की नौकरी करी। ये उस्ताद अमजद अली खान की संगीत साधना उनकी मेहनत और लगन ही थी कि जल्दी ही उन्हें अलग अलग कार्यक्रमों के न्योते मिलने लगे, यानी उस्ताद अमजद अली खान की व्यस्तता बढ़ने लगी। वो नौकरी करने के साथ साथ तमाम कार्यक्रम भी किया करते थे। नौकरी और कार्यक्रम दोनों से समझौता करना संभव नहीं था, परिवार को पैसों की भी जरूरत थी। एक दिन उस्ताद अमजद अली खान ने तय किया कि वो नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन उसका असर कुछ इस तरह पड़ा। फिर वही कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोग को एक किराए का घर दे रखा था, जो इरविन हॉस्पिटल जहाँ है, जहाँ वो ख़त्म होता है इरविन हॉस्पिटल और आप जा रहे हैं मिंटो रोड की तरफ, वहाँ मेन रोड पर बंगलोज होते थे, बड़े बड़े गार्डन होता था, बंगला होता था। तो वो हम किराए पे रहते थे वहाँ। फिर अचानक एक दिन उसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का नोटिस आ गया कि 15 दिन में आप घर खाली करिए। अब 15 दिन में घर कैसे दिल्ली में आप ले सकते हैं? तो फिर वापस हम पिताजी को ग्वालियर ले गए और उसके बाद उसके थोड़े दिन बाद फिर हमने एक किराए का घर निज़ामुद्दीन वेस्ट में लिया, जिसका हम 250 रुपया किराया देते थे फर्स्ट फ्लोर में। इसके बाद 1976 में उस्ताद अमजद अली खान की शादी हुई। उनकी शादी का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है, हम उन्हीं से सुनते हैं। कलकत्ते में ही कला संगम म्यूज़िक फेस्टिवल होता था और वहीं पर बहुत कलाकार, उस्ताद अमीर खान साहब भी गा रहे थे और भी बहुत, विलायत खान साहब भी बजा रहे थे। इनका भी डांस था क्योंकि ये आसाम की एक बहुत ही कल्चर्ड परिवार की बेटी हैं और इन्होंने डांस रुक्मणी अरुंडेल से सीखा, जो एक भरतनाट्यम का कला क्षेत्र जो है आज भी है वो चेन्नई में। तो इनका डांस देखा और वो डांस देखते वक्त ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने इनको मेरे लिए भेजा है।
उनके पूरे परिवार से जो उनके पिताजी थे मेरे फादर इन लॉ परशुराम बरुआ, वो असम फिल्म के पहले हीरो थे। उनके बड़े भाई थे पीसी बरुआ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कांग्रेस के थे। वो घर में टी गार्डन का बिजनेस यही काम था। तो उन सारे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिला और उनका प्यार आशीर्वाद, और वहाँ से फिर हमारा रिश्ता असम के साथ। अब आज असम में मुझे सन इन लॉ ही कहते हैं वहाँ पर, और बहुत प्यार मिला है। और ये हमारे परिवार की एक बहुत बड़ी, यानी कलाकार तो हमेशा कलाकार ही रहता है। ये कहना गलत हुआ कि उन्होंने डांस छोड़ दिया, वो छोड़ता कोई नहीं है, लेकिन स्टेज पर नहीं है वो अलग बात है। बट लेकिन जो उनका योगदान है हमारे परिवार में, और अमान यान की माता के रूप में, मेरी पत्नी के रूप में, डॉटर इन लॉ के रूप में, तो बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए राग सुबह लक्ष्मी बना, वो पहली बार हम चेन्नई में बजाया हमने, वो उनके बर्थडे पे हमने प्रेजेंट किया था कि भाई इन्होंने हमको इतना दिया है, दो पुत्र दिए हैं और हम एक शांति सुख शांति घर में दी है, तो हम क्या दे सकते हैं। तो ये राग बना वहाँ, और ये राग भी समागम के अंदर है। तमाम मुश्किलों के बाद भी उस्ताद अमजद अली खान ने अगर कोशिश की तो बस अपनी संगीत साधना में डूबे रहने की, उसमें निखार लाने की, ज्यादा से ज्यादा संगीत प्रेमियों तक पहुंचने की। आज उस्ताद अमजद अली खान के पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, शानो शौकत की सारी सहूलियतें हैं, ढेरों सम्मान है, पूरी दुनिया में एक रुतबा है। बावजूद इसके ये उनकी सहजता है कि वो अब भी अपने परिचय में बस एक ही बात कहलाना पसंद करते हैं कि वो संगीत की दुनिया में श्रोताओं का बेतहाशा प्यार बटोरने वाले कलाकार हैं। मज़ा इसी बात का है कि दुनिया आपको उस्ताद कहे या पंडित कहे, हम अपने मुंह से अपना नाम उस्ताद अमजद अली खान हमने तो कभी कहा ही नहीं, ना अपने लेटर हेड में हमने छपा कभी। आप हमारे लेटर हेड देखिए, विजिटिंग कार्ड देखिए, सिर्फ अमजद अली खान। भाई दुनिया ने 14-15 साल की उम्र से दुनिया कहने लगी उस्ताद अमजद अली खान, तो वो उसका एक, वो एक आशीर्वाद है। कोई हमारा उसमें कंट्रोल नहीं है, या कोई हमारी इसको ये मिलता है, ये आप डिमांड नहीं कर सकते इसको। जब लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है, और जितने बड़े बड़े अवार्ड मिल जाते हैं इतनी कम उम्र में, जब सर्वोच्च सम्राट प्रयाग संगीत समिति ने, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। उस्ताद अमजद अली खान आज पूरी दुनिया में संगीत के व्यस्तम कलाकारों में से एक है। उनकी संगीत साधना यूं ही चलती रहे, वो स्वस्थ रहें, ऐसी करोड़ों हिंदुस्तानियों की, करोड़ों संगीत प्रेमियों की दुआ है।
सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।